हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आज है संडे और अभी है शाम, अभी हो रहा है शाम के 7, और अभी से मैं शुरू कर रही मेरा ब्लॉग और आप लोगों के साथ ढेर सारी बातें। बहुत दिन बाद मैं आप लोगों के साथ ऐसे फेस टू फेस बात कर रही हूँ, अच्छा लग रहा है मुझे काफ़ी। और आज मैं शाम से इसलिए शुरू कर रही हूँ मेरा ब्लॉग क्योंकि मैं आज बनाने वाली एक बहुत यम्मी सा रेसिपी मेरे हस्बैंड के लिए, नितेश के लिए। स्ट्रीट स्टाइल एक डिश है, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। प्लीज़ आप लोग ज़रूर बनाना इसको देखने के बाद। और जो मायरा है उसका स्नैक्स जो है वो हो चुका है, क्योंकि ये भी थोड़ा सा मैं टेस्ट कराऊंगी। ये थोड़ा सा लेट बना रही हूँ मैं, क्योंकि ये जो है ना ये थोड़ा सा फीलिंग वाला है, हेवी वाला है। डिनर हम लोग आज बहुत लाइट करने वाले हैं, पहले से प्री डिसाइडेड है ये, तो इसलिए मैं थोड़ा सा हेवी कर रही हूँ ये स्नैक्स। और नीतीश को मैंने नहीं बताया है, जनरली वो पूछते हैं कि आज क्या बना रहे हो, बट आज उन्होंने पूछा था तो मैंने बोला कि अभी नहीं बताऊंगी मैं, ये सरप्राइज है आपके लिए। तो साथ में कॉफी बनाऊंगी, तो चलिए चलते हैं किचन के तरफ और आप लोग जरूर बनाना है इस रेसिपी को। और एक बात है, अभी मैं जो इवनिंग स्नैक्स बनाऊंगी उसके पहले ना मैं एक काम करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ, वो आप लोग भी करना, अच्छा लगेगा। और फ्रेंड्स, ये है वो स्पेशल चीज़ जो मैं हर वीकेंड के शाम में करती हूँ, वो है एक रूम फ्रेशनर जो मेरा है, या एयर फ्रेशनर बोल सकते हैं। इसको मैं ऑन कर देती हूँ, इसमें रिफिल होता ही ऑटोमेटिक है। ऐसे बहुत सारा ऑप्शन भी है, आप लोग चेक कर सकते हैं। इसको मैंने अमेजन से लिया और इससे बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू हो जाती है पूरा घरों में, बहुत अच्छा, काफ़ी अच्छा फील होता है अगर घर आपका अच्छा महके शाम में। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ, जो मैं स्नैक्स बनाने वाली हूँ ना, उसके लिए वेजीज जो है मैं चॉप कर रही हूँ। और आज जो मैं बनाने वाली हूँ वो वेज फ्रैंकी रोल। ये बहुत ज़्यादा फेमस एक डिश है, इवनिंग स्नैक्स के लिए हम लोग खा सकते, बच्चे को दे सकते। तो मैंने यहाँ पे टमाटर जो है उसको सीट लेस करके लंबा लंबा पतला पतला काट लिया है, और प्याज को भी मैं वैसे ही काट रही हूँ। इसके बाद जो कैबेज है उसको मैं काट रही हूँ। लाइक मेरे पास जो वेजीज है फ्रीज में अवेलेबल था वही मैं यहाँ पे दे रही हूँ। आप लोग ऑलिव्स ऐड कर सकते हैं, अगर गाजर को एकदम पतला पतला लंबा लंबा काट सकते वो भी आप दे सकते हैं, जो आपको पसंद है। और अगर आपको कच्चा सब्जी ऐसे पसंद नहीं है तो आप हल्का सा सौते करके भी इसे डाल सकते हैं, ब्लैक पेपर जो है उससे और सॉल्ट से थोड़ा सा सौते करके। तो मैं यहाँ पे सजा के रख रही हूँ सारे वेजिटेबल्स को, ताकि आसान हो मुझे काटने में। और मैंने धनिया पत्ता भी थोड़ा काट लिया है, और यहाँ पे मैंने चार जो गार्लिक क्लोव्स बड़ा बड़ा ले लिया, उसको मैं एकदम पतला पतला चॉप कर देता हूँ, छोटा छोटा चॉप कर रही हूँ उसको। और साथ में मैं चॉप करूँगी यहाँ पे अदरक, लाइक मायरा को भी मैं हल्का सा टेस्ट कराऊँगी इसको, इसलिए मैं इसमें ग्रीन चिली नहीं ऐड कर रही हूँ। अगर आप बच्चे को नहीं देंगे आप प्लीज़ इसमें ग्रीन चिली ऐड करिए, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका। तो जितना मुझसे हो सके मैंने इसको छोटा छोटा चॉप कर लिया है। अब मैं जिंजर को भी चॉप कर रही हूँ, ऐसे बहुत ही इजी से बन जाता है। हाँ, प्रिपरेशन करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, अगर आप पहले से करके रखते हैं ना तो और भी जल्दी से बन जाएगी ये। तो बस हो गया मेरा ये जो गार्लिक और जिंजर है उसको चॉप करना। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट काम होगा वो है, जो मैं इसका डो बनाऊंगी ना मैदा वाला, उसको मुझे रेडी करना है। उसके लिए मैंने ये जो मेजरिंग कप है उसका 1 कप मैंने मैदा ले लिया, और थोड़ा सा आटा ले लिया। आप चाहें तो पूरा आटा से भी इसको बना सकते हैं और पूरा मैदा से भी इसको बना सकते हैं। तो थोड़ा सा नमक ले लिया मैंने इसमें, और इसको अच्छे से मिला देने के बाद हल्का ल्यूकॉम वाटर से मुझे इसको अच्छे से गूंथना है, क्योंकि इसमें मैदा है ना। तो सॉफ्ट से नॉर्मल पराठा या रोटी का सॉफ्ट आटा का डो बनाते हैं वैसे मुझे इसमें बनाना है, उतना कुछ स्पेशल कुछ है नहीं इसमें। बस ध्यान रखिए कि ज़्यादा हार्ड ना हो, अगर हार्ड होगा ना तो जिसका रोटी या पराठा हम लोग बनाएंगे ना ये भी बहुत हार्ड हो जाएगी। तो एकदम हल्का सा गर्म पानी से इसको अच्छे से गूंथ के मुझे इसका डो बनाना है। और उसके बाद जो रिफाइंड ऑयल का हल्का सा कोटिंग लगा दिया, अब मैं इसको रेस्ट टाइम दूंगी। अब जब तक ये आटा रेस्ट हो रहा है तब मैं बना रही हूँ जो इसका स्टफिंग होता है वो। इसके लिए मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल ले लिया है, और गार्लिक जिंजर इसमें मैंने ऐड कर दिया है। फ्रेंड्स, गार्लिक को इसमें ऐड करना ही है, इसको प्लीज़ ऑमिट मत कीजिएगा। गार्लिक से जो ये स्टफिंग है इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो ऐसे हल्का सा लाल इसमें आप देख पा रहे हो गया है जिंजर और जो गार्लिक है। उसके बाद मैं क्या करूँगी, जो आलू है मैंने यहाँ पे 4 आलू को उबाल के रख दिया था स्मैश करके पहले से ही, ठीक है ना। तो मुझे इसमें डालना है वो आलू। ये बहुत तरह का बनता है फ्रैंकी रोल, मैं आज वेज बनाऊंगी, बाकी किसी दिन में और भी चीज़ें शेयर करूंगी, जो चिकन होता है या पनीर फ्रैंकी रोल होता है। तो तेल में हल्का सा मुझे इसको भूनना है, ताकि जो ये जिंजर और गार्लिक है ये अच्छे से आलू में मिल जाए, उबला हुआ आलू भी, तो ज़्यादा मुझे इसको पकाना नहीं है।
और साथ में ऐड कर दो यहाँ पे जो मसाला है, वेज फ्रेंकी रोल का जो मसाला होता है ना, उसका भी अलग आपको मिल जाएगा मार्केट में फ्रेंकी का मसाला, लेकिन मैं ये घर पे बना रही हूँ। जैसे मैंने जो रेगुलर मसाले होते हैं ना, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर डाल दिया, और चाट मसाले से मैंने डाला है। आप थोड़ा सा आमचूर पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन चाट मसाला इट्स कंपल्सरी क्योंकि उसमें बहुत सारे चीज़ होता है। और थोड़ा सा मैंने ऐड किया है गरम मसाला, और थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट जो है वो भी ऐड कर दिया है, नॉर्मल सॉल्ट भी मैंने ऐड कर दिया है, और ऐड कर दिया धनिया पत्ता। बस 2 से 3 मिनट इसको हल्के से भूनना है, लाइक ही नॉन स्टिक नहीं तो हल्का सा चिपक रहा है नीचे से। बस थोड़ा सा इसको भूनने के बाद, जब ये मसाला है वो अच्छे से मिल जाए पूरा आलू में, थोड़ा सा फ्राई करने के बाद ये बन के एकदम रेडी है। और इसमें जो रिफाइंड ऑयल मैंने यूज़ किया है ना फ्रेंड्स, आप रिफाइंड ऑयल की जगह इसमें बटर यूज़ करेंगे तो इसका टेस्ट और भी अच्छा होता है, बट ऐसे बनाएंगे उसमें भी बहुत अच्छा होता है, लाइक गार्लिक बहुत सी अच्छा टेस्ट देता है इसको। अब मैं इसको रख के आ रही हूँ मेरी डाइनिंग टेबल है वहाँ पे, ताकि ये ठंडा हो जाए। और देखिए जो आटा है, मैदा जो है उसको एकदम अच्छे से सेट हो चुका है, तो मैं 2 ही बना रही हूँ, बाकी मैं रख दूँगी जो बाद में आटा रोटी या पराठा बनाने के लिए। तो ये जो 2 मैंने बॉल ले लिया है मैदा का, उसको मुझे जैसे पराठा रोटी बनाते हैं ना वैसे ही मुझे अच्छे से इसको बेलना है, और मैं मैदा यूज़ कर रही हूँ, और आप लोग भी प्लीज़ मैदा यूज़ कीजिएगा, इसमें आटा का मत यूज़ कीजिएगा। बस थोड़ा सा बेलने के बाद मैं यहाँ पे जैसे रोटी बनाते वैसे बना रही हूँ, और जो गैस का फ्लेम है आप लोग देख सकते हैं वो तेज़ है। रोटी जैसे बनाना नहीं है, बिल्कुल पकाना नहीं, इसमें जो 70 या 80% इसको बनाना है, ताकि हल्का सा जो कच्चापन इसमें रहे। बस जब ये थोड़ा सा हो जाए उसके बाद इसको पलट देना है मुझे, देखिए हल्का हल्का फूल भी रहा है ये, ऐसे दबा दबा के ना थोड़ा सा कीजिएगा, और गैस का जो फ्लेम है उसको मैंने सेम कर दिया क्योंकि ये हो चुका है ऑलमोस्ट। ठीक है, अब इसको मुझे उठा लेना है, देखिए साइड साइड से हल्का सा कच्चापन है और ये रहना भी बहुत ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट जो है उसका डो बना रही हूँ मैं, और ये जो है ना मैं मायरा को नहीं दूंगी पूरा, क्योंकि बहुत हेवी होता है, मैं टिक्की उसके सामने रखूँगी और हम लोग जो खाएंगे ना उसको, उससे मैं मायरा को थोड़ा सा टेस्ट कराऊंगी क्योंकि उसका डिनर का टाइम भी हो जाएगा इसके बाद। बस सेकंड वाला जो है वो मैंने बना लिया है, अब इसको मैं सेम प्रोसेस एज लाइक फर्स्ट में इसको बनाऊंगी। आप ना अगर आपके घर पे गेस्ट आ रहा है कुछ आ रहा है, तो आप जो ये अभी मैं बना रही हूँ ना ये पराठा या रोटी टाइप का जो बना रही हूँ, उसको आप ऐसे भी बना के स्टोर करके रख सकते हैं ढक के, और जब आपको बनाना है अब तब उसको बना के इसको सर्व कर सकते हैं। और जो ये रोल है ना ये गरम गरम खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा जो सेकंड वाला रोटी है वो भी बन के तैयार है। तो अब मैंने थोड़ा सा फ्राइंग पैन ले लिया, इसमें ऐड करूँगी मैं बटर, आप रिफाइंड ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। और देखिए ऐसे सिलेंडर शेप का मुझे बनाना है, जो आलू का मिक्सचर बनाई थी मैं, आप कोई भी शेप दे सकते हो, लंबा भी बना सकते हैं, बट मैं ऐसे थोड़ा सा चपटा कबाब टाइप के जो होता है ना वो बनाई, और थोड़ा सा मोटा मोटा रखी हूँ मैं इसको, अपने मन के हिसाब से आपको अच्छा लगे वैसे शेप आप इसको दे सकते हैं। बस मैंने इसमें से 5 ही बना था, 4 बड़ा बड़ा बनाई थी और एक छोटा सा स्मॉल बनाई थी मैं। बस बन के रेडी है ये, तो टिक्की बोल सकते हैं आप टिक्की। तो ये मैंने हल्का सा ग्रीस कर लिया है जो ब्रश है उससे, ताकि अच्छे से मिल जाए तेल चारों साइड में। बस ये टिक्की को मैं एकदम सीम तेज आंच पे रखना है, क्योंकि जो मसाला आलू है सब पहले से पका हुआ है, इसलिए मैं कर रही हूँ ताकि जो क्रंचीपन थोड़ा सा इसमें ऐड हो जाए, लाइट सा ब्राउन हो जाए इसका साइज। तो बस इसको ऐसे पलट लेना है, अब देखिए ये बन के रेडी है ये। बस थोड़ा सा क्रिस्पी करने के लिए मैं इसमें ऐड का थोड़ा सा फ्राई किया है, इसे मैंने सौते किया है। अब जो दूसरा 2 बचा हुआ था उसको भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और सेम प्रोसेस में मैं इसको थोड़ा सा फ्राई कर लूंगी सैलो फ्राई। और उधर मैं अपने जो कॉफ़ी बनाने वाली वो मैं चढ़ाती हूँ। अब मैं थोड़ा सा बटर ले लियो इसमें, बटर लेने के बाद जो रोटी बना के रखी थी ना पहले से, उसको थोड़ा सा मुझे पराठा जैसे सेकते हैं ना ऐसे सेक सेकना है, और जो फ्लेम है उसको तेज़ आंच पे रखना है, सेम में नहीं करना। अगर आप सेम में करेंगे और ज़्यादा देर तक इसको फ्राई करेंगे ना, ये एकदम च्यूई और हार्ड हो जाएगा।
बस कुछ सेकंड के लिए मैंने इसको ऐसे ही थोड़ा सा स्प्रे स्प्रेस करके जो बटर है उसको दोनों साइड से अच्छे से ये लग जाए, इसलिए मैंने अच्छे से कर लिया है। बस अब जो सेकंड रोटी बना के रखी थी उसको भी मैं ऐसे ही कर लूँगी। अब बटर की जगह यहाँ पे रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, बट बटर से ना थोड़ा सा टेस्ट जो है वो इन्हांस हो जाता है, स्ट्रीट स्टाइल वाला फीलिंग आता है ना। बस अब देखिए ये भी जो पराठा है ये मेरा बन के रेडी है। अब जो है ये मेन प्रोसेस है और सबसे अच्छा है, ये है इसका जो गार्निशिंग आप बोल सकते हो वो करना, ये सबसे ज़्यादा अच्छा चीज़ है इस वीडियो में। अब मैंने ले लिया है टोमेटो सॉस और चिली सॉस ले लिया है, मेयोनीज ले लिया है। आप लोग इसमें ग्रीन चटनी जो है वो भी ऐड कर सकते हैं, अपना मनपसंद का जो टॉपिंग्स है वो आप ऐड कर सकते हैं, मस्टर्ड सॉस भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास नहीं था दोनों में से कोई तो मैंने ये सब लिया है। तो टिक्की मैंने प्लेस कर दिया है और जो स्लाइसिस ऑफ प्याज है उसको मैंने ऊपर से डाल लिया है। अच्छा टोमेटो मैंने काटा था ऐसे पतला पतला बीज निकाल के टमाटर का, उसको प्लेस कर दिया है। और जो कैबेज है श्रेडेड कैबेज उसको डाल दिया है मैंने ऊपर, लग रहा है ना बहुत ज़्यादा यम्मी। और धनिया पत्ता भी मैंने ऐड कर दिया है थोड़ा सा। अब जो है मैं टोमेटो सॉस ऐड कर रही हूँ, चिली सॉस मैंने पहले ऐड किया था इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड नहीं कर रही हूँ। आप लोग कर सकते कोई भी पसंद का सॉस, मेयोनीज ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पे। आप मस्टर्ड सॉस भी ऐड कर सकते हैं, इसमें भी काफ़ी अच्छा देगा फ्लेवर। इसका ऊपर से डाल रही मैं चीज़, ये ऑप्शनल है बट आप लोग ऐड करना, काफ़ी अच्छा लगता है एंड चीज़ इज़ नॉट अनहेल्दी। तो मैंने जो चीज़ का क्यूब आता है ना उसका हाफ मैंने यहाँ पे ऐड किया है, और जो हाफ जो मेरा नेक्स्ट मैं बनाऊँगी उसमें, और थोड़ा सा चाट मसाला ऊपर से ऐड कर दिया है। अब मुझे इसको हल्का सा फोल्ड करना है प्रेस करके, क्योंकि स्टफिंग जो है वो काफ़ी हेवी हुआ था। बस बनाने के बाद जो टूथ पिक है उसको मैंने इसमें लगा दिया है ऐसे, ताकि ये रोल जो है ये निकले ना। आप लोग खाने के टाइम में ना इसमें जो एल्युमिनियम फॉइल या बटर पेपर कुछ भी उसमें थोड़ा सा रैप कर लेना, नहीं तो नीचे से सारे निकल जाएगा आपका बाइट करने के टाइम। बस इसको मैं सर्व करूँ थोड़ा सा टोमेटो सॉस के साथ और थोड़ा सा मेयोनीज के साथ। वैसे ज़रूरत नहीं होता है, आप लोग ऐसे भी इसको खा सकते हैं क्योंकि स्टफिंग भी काफ़ी इसका हेवी है। और बहुत ही अच्छा बना था, बहुत ही अच्छा बना था, कितना यम्मी लग रहा है देखिए। और जो सेकंड करूँगी जैसे मैंने फर्स्ट टाइम किया था इसका फीलिंग, तो मैं इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ, सेम प्रोसेस है। बस अब कॉफ़ी भी हम लोगों का जो है वो रेडी है बनके। प्लीज़ मुझे बताना कमेंट करके कैसे लगा आप लोगों को ये वीडियो। तो फ्रेंड्स मेरा जो ये वीडियो है छोटा सा ब्लॉग है उसको मैं कर रही हूँ परी एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, प्लीज़ मुझे बताना नीचे कमेंट करके कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो। तो लेती हूँ मैं आप लोगों से अलविदा, बहुत जल्दी मिलती हूँ मैं आप लोगों के साथ मेरा नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, बाय बाय।